नमस्ते मित्रों, आप देख सकते हैं अभी ये जो सब्जी है ये बहुत कम मिलने वाली सब्जी है और ये बारिश की मौसम में ही मिलती है। आपने अपने जो शाक वाले हैं वहाँ पर ये देखी होगी, लेकिन आपको पता नहीं होगा वो कहाँ पर होती है, उसका वेला कैसा होता है, वो पेड़ पे आती है, झाड़ पे आती है, किस पर आती है आपको पता नहीं, क्योंकि आपने खेत देखा नहीं। तो आप जो है वो हम आपको दिखाने वाले हैं, ये कंटोला जो है, हमारे यहाँ गुजराती में कंटोला बोलते हैं, उसको कहाँ पर उगता है, कैसे होता है, वो पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं, अंत तक देखें। अब जो है कंटोला का जो है वो एक गांठ होती है, उससे उसका वेला निकलता है। वो ज़्यादातर उसको जो है वो ऐसी वाड़ पसंद है, उसको आप खेत में ज़्यादातर बोएंगे तो नहीं होगा, लेकिन ये वाड़ पर जो है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। उसमें दो अलग अलग वेले आते हैं, एक नर होता है एक मादा होती है। नर वेला जो होता है उसको अकेले फूल आता है, उसको जो है वो फ्रूट नहीं आता है, लेकिन जो मादा वेला होता है उसको फ्रूट आता है। आप देख सकते हैं ये फ्रूट जो है वो उसको आया हुआ है, और बाद में आप देख सकते हैं इसका वेला जो है वो पूरा अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं। हम थोड़ा इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं लेकिन आपको दिखा रहे हैं पूरा। ये को देखो इसका पत्ता कैसा आता है, देखो इसका पत्ता ऐसा आता है और इसमें फ्रूट कैसे लगते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे फ्रूट लगते जाते हैं और बेला जो है वो आगे निकल जाता है। उसकी अलग अलग ब्रांचेस होती है, मतलब देखो ये ब्रांचेस हुई तो इसको भी अब ब्रांचेस होगी और उसको फ्रूट लगेंगे। तो ऐसे जो है वो इस सब्जी जो है वो वेला होता है, और ये बहुत सब्जी बहुत न्यूट्रिशन वाली सब्जी है। हमको हर बारिश की मौसम में जो है हम हर हफ्ते में दो बार इसकी सब्जी खाते हैं, बहुत हेल्दी है, बहुत हम फिट रहते हैं इस सब्जी से। तो आप भी जो है वो ये कंटोला की सब्जी जो है वो अपने वहाँ अच्छे से बनाए। यदि आपको इस कंटोला की सब्जी जो है कैसे बनानी है वो नहीं पता है, तो आप हमारे YouTube चैनल पे लिखिए, कमेंट कीजिए कि हमको बताइए, तो आप प्रश्न पूछेंगे तो हम उसका उत्तर जरूर देंगे। नमस्कार।